नवरात्रि के प्रत्येक दिन का क्या महत्व है? हम हर बार नवरात्रि तो मनाते आए हैं, पर प्रत्येक दिन कौन सी देवी, उनकी ऊर्जा के पीछे की कहानी क्या है, उससे अनभिज्ञ रहते हैं तो हर एक देवी की ऊर्जा और उनकी कहानी तथा उनके तंत्रों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नौ अवतार ही इन नौ दिनों का मुख्य केंद्र बिंदु है। हर दिन एक अलग देवी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। देवी दुर्गा के नौ गौरवशाली रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि की प्रत्येक रात कुंडलिनी जगरूप करने और देवी के साक्षात्कार करने का बड़ा मौका होता, जिससे हम शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हमें देवी की कृपा पा सकते हैं और वो देवी की कहानी क्या है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन का महत्व। दिन एक, देवी शैलपुत्री। देवी दुर्गा का मूल रूप शैल यानी हिमालय और पुत्री यानी बेटी, हिमालय की बेटी माँ के इस रूप को नवजात शिशु की तरह माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है। इस रूप में देवी के वस्त्र हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। हल्का गुलाबी रंग उनकी बाल्य अवस्था दिखाता है। उनके दो हाथ है जो भी उनकी मूलता को दर्शाते हैं, जो सीमित शक्ति की तरफ इशारा करते हैं, परंतु उनके एक हाथ में कमल है जो उनकी सौम्यता को दर्शाता है तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो उनमें असीमित शक्ति उत्पन्न हो सकती है वो अनुमानित करता है। इस तरह वो मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में देवी माँ की कहानी इस प्रकार लिखी गई है। माँ भगवती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में पैदा हुई थी। तब उनका नाम सती था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ समारोह में उनके शरीर को योग अग्नि में जला दिया गया था, क्योंकि वो यज्ञ समारोह में अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। अगले जन्म में वो पर्वत राज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बनी। नवदुर्गा का दूसरा अवतार माता पार्वती का अवतार है। उन्होंने 32 विद्याओं के रूप में भी अवतार लिया, जिन्हें फिर से हेमवती के नाम से जाना गया। अपने हेमावती स्वरूप में उसने सभी प्रमुख देवताओं को हरा दिया। अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। 6. वो मूल चक्र की देवी है जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। गाय पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा, जैसे कि उसके पिता से लेकर उसके पति तक, जागृत शक्ति भगवान शिव की खोज शुरू करना या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाना, ताकि नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपना मन मूलाधार पर केंद्रित रखे। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। यहीं से उन्होंने अपनी योग साधना शुरू की। शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जा सकता है और योगिक ध्यान में उच्च गहराई की तलाश की जा सकती है। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की चट्टान है और संपूर्ण विश्व को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप से शक्ति मिलती है। दिन 2, नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्म यानी ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण कराने वाली। तो इस तरह ब्रह्मचारिणी यानी वह देवी जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है। उनके रूप से भी यह साबित होता है। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं तथा श्रृंगार से दूर है तथा माला धारण की है जो उन्हें एकाग्रता की तरफ इशारा करती है और दूसरी तरफ कलश जो उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन का संबंध हरे रंग से माना जाता है और इस दिन भक्त देवी ब्रह्मचारिणी को भोग के रूप में चीनी चढ़ाते हैं। साधक के लिए इस दिन साधक का ध्यान स्वदिथा चक्र में होता है। दिन 3, शांति की देवी चंद्रघंटा को नवरात्रि के तीसरे दिन सम्मानित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की शक्ति का अनुरोध करने से आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। इस दिन का रंग भूरा होता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध का दान करते हैं। माँ नवदुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। देवी चंद्रघंटा के ये सभी चिन्ह उनके ज्ञान प्राप्ति के बद के है। इसका एक अर्थ ये है कि वे अब कोई भी चुनौती के लिए तैयार है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। साधक के लिए इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। दिन 4, उत्सव के चौथे दिन उपासक देवी कुष्मांडा का सम्मान करते हैं।
कू यानी छोटा उष्मा यानी गर्मी और एंड यानी गर्भ यानी माँ कुष्मांडा को मॉडर्न साइंस में बिग बैंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नवरात्रि के दिन उपवास करने से सभी दर्द और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नवरात्रि का माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है, माता की पृष्ठभूमि। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है, वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। उपासक के लिए कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। दिन 5, 5वां दिन जो देवी स्कंद माता को समर्पित है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह शेर है। यदि इन सब चिन्ह को ध्यान में ले तो हमें ये समझ आता है कि यह माँ अपनी ममता बरसा रही है, इसीलिए देवी से अब माँ को माता कहा जाएगा अपने आखिरी स्वरूप तक। उपासक के लिए नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है, वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पुनर्तः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। ये प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। दिन 6, नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्त सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्व है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है।
बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उपासक के लिए नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनके फल से लौकिक संसार में रहते हुए अलौकिक संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात और, इनकी उपासना संध्या समय की जानी चाहिए। दिन 7 देवी कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्राकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। साधक के लिए माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजा करना चाहिए। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी नाम का अर्थ अत्यंत उज्ज्वल स्वच्छ रंग चंद्रमा की तरह चमक वाला होता है। महागौरी को आमतौर पर 4 हाथों से चित्रित किया जाता है। एक हाथ में त्रिशूल भय दूर करने वाली मुद्रा है, जबकि चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। वो एक सफेद बैल की सवारी करती है। माता को आमतौर पर सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। वो शांति देवियों में से एक है। माँ महागौरी की कहानी। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्याम वर्ण कहा तो देवी पार्वती ने शिवालय त्याग दिया और अपने श्याम वर्ण को उज्जवल करने के लिए कौशिकी नामक कन्या के रूप में नया जन्म लिया, जिसका मूल कारण तो असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का वध था। लेकिन इन भाइयों ने ब्रह्मा जिसे वरदान मांगा कि वे केवल एक कुंवारी महिला द्वारा मरे, तो शुंभ और निशुंभ भाइयों को मारने के लिए देवी आदि शक्ति की इच्छा के अनुसार कौशिकी देवी पार्वती के शरीर से निकलती है और हिमालय में रहने लगती है। कौशिकी की अत्यधिक सुंदरता को देखकर शुंभ निशुंभ भाइयों के सेनापति चंड और मुंड शुंभ निशुंभ उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं और उससे विवाह करने के लिए कहते हैं। इसलिए वे कौशिकी के पास उनसे विवाह करने के लिए दूत भेजते हैं। लेकिन कौशिकी ने उन्हें सख्ती से बताया कि उसने शपथ ली है कि वो केवल उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे युद्ध में जीतेगा। शुंभ निशुंभ भाइयों की अनेक पेशकशों के बावजूद कौशिकी देवी उन्हें युद्ध के लिए आने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए उन्होंने उसके अपहरण के लिए अपने कई सेनापति और सैनिकों को भेजा। एक शुंभ निशुंभ भाई सबसे पहले अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजते हैं। लेकिन जब वो उनका अपहरण करने के लिए करीब आता है तो देवी कौशिकी अपनी उग्र सांस से उसे भस्म कर देती है। 2 फिर वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भाइयों चंद मुंड को भेजते हैं। वे पहले मीठी बातों से कौशिकी को पाने की कोशिश करते हैं, फिर उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग है तो वे उससे झगड़ने लगते हैं। तब देवी कौशिकी क्रोध से उनकी ओर देखती है। उनके क्रोध से उनके माथे से एक ज्योति निकलती है, जिससे काली प्रकट होती है जो काले रंग की है और बहुत उग्र और भयानक दिखती है।
वो उसे चंद्रमुंड का वध करने का आदेश देती है। उनके आदेश पर काली देवी अपने रूप में बड़ी हो जाती है और चंद्रमुंड के सैनिकों और सेनाओं पर आक्रमण करने लगती है। वह सैनिकों के सभी तीरों और हथियारों को आसानी से पकड़ लेती है और तोड़ देती है, और वह सभी अश्व पुरुषों, रथ पुरुषों, हाथी पुरुषों को निगल जाती है। अंत में वह चंद और मुंड के सिर काट देती है और चंद का सिर और मुंड का शरीर कौशिकी देवी के पास ले जाती है। वो उसकी वीरता की प्रशंसा करती है और उसे चामुंडी चंडिका नाम देती है, जो चंद और मुंड का वध करने वाली है। 3. फिर वे रक्तबीज नामक एक और शक्तिशाली राक्षस को भेजते हैं। उसने एक अलग वरदान प्राप्त किया था कि जब भी उसके शरीर से रक्त गिरेगा तो उसमें से रक्तबीज का निर्माण होगा। वो कौशिकी देवी के पास आता है और उनसे लड़ने लगता है। वह काली देवी को भेजती है। उनकी सहायता के लिए त्रिमूर्ति भगवान कार्तिकेय देवताओं ने अपनी सेनाएं भेजी, अर्थात भगवान ब्रह्मा से ब्राह्मी, भगवान विष्णु से वैष्णवी, भगवान शिव से माहेश्वरी, भगवान कार्तिकेय से गौमाय, भगवान इंद्र से इंद्राणी, यम से वाराही, भगवान नरसिम्हा से प्रत्यंगिरा। इन सभी ने युद्ध में काली देवी की सहायता की। रक्तबीज को मारने के लिए कौशिकी देवी ने काली देवी की सहायता की। उसने अपना मुंह चौड़ा करने का आदेश दिया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे। जैसे ही कौशिकी रक्तबीज का सिर काटती है, काली देवी नीचे गिर रहे उसके सारे खून को पी जाती है, जिससे वो पूरी तरह से मर जाता है। 4. फिर शुंभ और निशुंभ युद्ध में प्रवेश करते हैं। लंबी लड़ाई के बाद कौशिकी देवी शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों का वध कर देती है। दिन 9. माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उपासक के लिए इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।